नमस्कार, आप देख रहे हैं पत्रिका टीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और मैं हूं आपके साथ अमृता। विधानसभा चुनाव को लेकर हमारी खास पेशकश मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का रन 2018 में आप सभी का स्वागत है। हम आपको मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के किसी एक जिले में शामिल विधानसभा सीटों से रूबरू कराएंगे। पिछले 5 सालों में कितना हुआ विकास, नेताओं के वादे कितने हुए पूरे या रह गए वो अधूरे, विधानसभा चुनाव को लेकर बिसात बीत चुकी है। इस महाउत्सव में हर नेता डुबकी लगाने में पीछे नहीं है। एक बार फिर चुनाव के मैदान में नेता अपने वादों दावों की लंबी फेहरिस्त लेकर निकल चुके हैं। सरकार जहां अपने विकास कार्यों को गुणगान गाकर जनता से वोट मांग रही है, वहीं विपक्ष सरकार की नाकामियां गिनाकर सत्ता वापसी की राह तलाश रही है। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर हम मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की उन तमाम विधानसभा सीटों की पड़ताल करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का रन 2018। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के रन 2018 में आज हम पहुंचे हैं राजगढ़ जिला। राजस्थान सीमा से सटा मालवांचल का ये जिला अपनी ऐतिहासिक धार्मिक और संस्कृति को सहेजे हुए है। जिले का प्रसिद्ध मां जलपा देवी के दरबार में देश दुनिया से भक्त पूजा अर्चना करने पहुंचते हैं। वहीं कश्मीर मालवा के नाम से विख्यात नरसिंहगढ़ का किला पर्यटकों को आकर्षित करता है। सारंगपुर में रानी रूपमती और बाज बहादुर के मकबरे में आज भी अमर प्रेम की गाथा सुनाई देती है। कभी उमट राजपूतों और परमार वंश की राजधानी रही राजगढ़ जिले का इतिहास धर्म संस्कृति काफी समृद्ध मानी जाती है। राजगढ़ से 5 किलोमीटर दूर पहाड़ में स्थित मां जलपा का प्राचीन देवी मंदिर देश दुनिया में प्रसिद्ध है। मां जलपा के चमत्कार की कहानी निराली है। यहां मां स्वयं प्रकट हुई थी। प्रतिमा करीब 1100 साल पुरानी मानी जाती है। वहीं मंदिर परिसर में दक्षिण मुखी हनुमान जी भी विराजे हैं, जो भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करते हैं। इधर खिलचीपुर की होड़ा वाली माता प्राचीन और सिद्ध मानी जाती है। जिले का प्रसिद्ध पर्यटन स्थल ख्योरी हरे भरे जंगलों से घिरा है। ये राजगढ़ की पसंदीदा पिकनिक स्पॉट में से एक है। यहाँ प्राचीन महादेव मंदिर भी स्थित है। नरसिंहगढ़ को कश्मीर मालवा कहा जाता है। पहाड़ में स्थित किले को देखने बड़ी संख्या में पर्यटन पहुँचते हैं। वहीं नीचे सुंदर सरोवर इसकी सुंदरता को 4 चांद लगा देता है। ब्यावरा नगर जिले का मुख्य व्यावसायिक नगर है। जिले का एकमात्र रेलवे स्टेशन है जो इंदौर अहमदाबाद मथुरा देहरादून नई दिल्ली कोटा रतलाम अमृतसर जैसे रेलवे लाइन से जुड़ा हुआ है। राजगढ़ जिले का ऐतिहासिक दृष्टि से भी काफी महत्व है, जिसमें राजगढ़ खिलचीपुर और नरसिंहगढ़ रियासतें शामिल हैं। राजगढ़ रियासत ग्वालियर रियासत के अधीन थी, वही नरसिंहगढ़ और खिलचीपुर स्वतंत्र रियासत थी। यहाँ आज भी राजघराने से जुड़े परिवार के लोग यहाँ रहते हैं। सारंगपुर में धार के मांडू की रानी रूपमती और बाज बहादुर का मकबरा है। इनकी प्रेम कहानी आज भी प्रचलित है, आज भी प्रेम गाथा गूंजती है। दोनों की अमर प्रेम कहानी का साक्षी ये मकबरा किसी समय एक भव्य स्मारक था। राजगढ़ जिला राजस्थान सीमा पर होने के कारण यहाँ का रहन सहन बहुत कुछ राजस्थान से मेल खाता है। खान पान में भी मालवा और राजस्थानी दोनों का स्वाद मिलता है। बदखुशानी की दरगाह में यहाँ एशिया का 5वां बड़ा उर्स लगता है, जिसमें देश विदेश से लाखों लोग आते हैं। जिले में नेवज पार्वती काली सिंध प्रमुख नदियाँ सहित कई धार्मिक और पर्यटन स्थल है। राजगढ़ से भानु ठाकुर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, पत्रिका टीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।
मालवा अंचल के राजगढ़ की सियासत जनता की वो प्रयोगशाला है जिसमें जनता कभी बीजेपी तो कभी कांग्रेस को जिताती आ रही है। राजगढ़ जिले में कुल 5 विधानसभा सीटें हैं। वर्तमान में 4 पर बीजेपी और 1 सीट पर कांग्रेस का कब्जा है। कभी सीट से केंद्र की राजनीति करने वाले दिग्विजय सिंह और उनके भाई लक्ष्मण सिंह भी सांसद रह चुके हैं। वही संघ और बीजेपी की भी गहरी पेट यहाँ पर है। बीजेपी को चुनौती इस बार इन सीटों पर लगातार जमी रहने की है। वहीं कांग्रेस सत्ता वापसी की राह तलाश रही है। मिशन 2018 के लिए सुहास भगत और दिग्विजय सिंह की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। राजगढ़ ने मध्य प्रदेश की सियासत में बड़ी सियासी हस्तियां दी है। ये कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह का गढ़ कहा जाता है। राजगढ़ जिले में कुल 5 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसमें राजगढ़, ब्यावरा, नरसिंहगढ़, खिलचीपुर और सारंगपुर सीट शामिल है। वर्तमान में 5 सीटों में से 4 पर बीजेपी और 1 सीट पर कांग्रेस का कब्जा है। प्रदेश में बीजेपी की 3 बार लगातार सरकार बनने के साथ यहाँ कांग्रेस की जड़ें भी कम होती चली गयी और अब यहाँ संघ ने भी गहरी पेट जमा ली है। पिछले 3 चुनावों की बात करें तो 2003 में बीजेपी को 4 सीट, 2008 में 2 सीट और 2013 में एक बार फिर वापसी करते हुए बीजेपी ने 5 में से 4 सीटें जीती। खास बात यह है कि 2013 के चुनाव में कांग्रेस के पाले में रहने वाली खिलचीपुर को भी बीजेपी ने जीत लिया था। राजगढ़ जिले की कुल आबादी 15,45,814 है। अब बात करते हैं राजगढ़ विधानसभा सीट की, तो इस सीट से बीजेपी के अमर सिंह यादव विधायक है। 2013 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के अमर सिंह यादव को जहां 97,735 वोट मिले, वहीं कांग्रेस के शिव सिंह बावलांबे को 46,524 मतों से संतुष्ट होना पड़ा था। जीत हार का अंतर अच्छा खासा 51,211 था। राजगढ़ मध्य प्रदेश के हाई प्रोफाइल और बेहद खास सीटों में शामिल है। दरअसल यहाँ की राजनीति में कांग्रेस ने लंबे समय तक राज किया है। वहीं आरएसएस की भी गहरी पेट है। संघ के सुरेश सोनी, सत्यनारायण मौर्य, जितेंद्र पवार जैसे नेता राजगढ़ से निकले। बीजेपी के संगठन महामंत्री सुहास भगत और सह संगठन मंत्री अतुल राय की कार्यस्थली है। बीजेपी नेता माखन सिंह, भगवत शरण माथुर भी लंबे समय तक इस जिले में संगठन को मजबूत किया। उधर कांग्रेस की राजनीति में यहाँ दिग्गज नेता और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह का सीधा दखल है। ये दिग्विजय सिंह और उनके छोटे भाई लक्ष्मण सिंह का संसदीय क्षेत्र रहा है। ऐसे में मिशन 2018 के लिए सुहास भगत और दिग्विजय सिंह की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। राजगढ़ में पिछले 20 सालों में ना तो कोई दोबारा चुनाव जीता और ना ही कोई पार्टी लगातार 2 चुनाव जीत पाई। यहाँ पर हर बार नया प्रत्याशी विधायक बनता है। 2008 में सीट से कांग्रेस के हेमराज कल्पोनी विधायक रहे। कल्पोनी को जहां 50,255 मत मिले, वहीं बीजेपी के पंडित हरिचरण तिवारी 33,726 वोट पा सके। जीत हार का अंतर 16,529 रहा। 2013 में ये सीट कांग्रेस से बीजेपी के पास चली गई। बीजेपी से वर्तमान विधायक अमर सिंह यादव एक बार फिर दावेदारी ठोक रहे हैं। वहीं कांग्रेस वापसी की राह तलाश रही है। जाति समीकरण की बात करें तो सीट पर ब्राह्मण, सोंधिया, महाजन, तंवर, धाकड़, यादव, गुर्जर, अनुसूचित जाति, जनजाति, मुस्लिम मतदाता शामिल हैं। सोंधिया और तंवर चुनाव में निर्णायक साबित होते हैं। राजगढ़ विधानसभा में कुल मतदाता 2,03,320 है। वही 276 कुल मतदान केंद्र है। अब बात करते हैं जिले की व्यापारिक नगरी ब्यावरा विधानसभा सीट की। वर्तमान में सीट से बीजेपी के नारायण सिंह पवार विधायक हैं। 2013 के विधानसभा चुनाव में पवार को जहां 72,678 मत मिले थे, वहीं कांग्रेस के रामचंद्र दांगी को 75,766 मत पा सके। जीत का अंतर 3,088 रहा। ब्यावरा विधानसभा सीट पर पिछले 25 सालों से यहां पर लगातार 2 बार ना कोई पार्टी जीत पाई और ना ही कोई प्रत्याशी लगातार 2 चुनाव जीत सका। हर बार यहां या तो पार्टी उम्मीदवार बदल देती है या फिर विधायक को दूसरी बार टिकट मिला तो जनता हरा देती है। ये सीट काफी उलझी हुई मानी जाती है। यहीं से जिले की राजनीति तय होती है। 1993 से हर चुनावों में पार्टी उम्मीदवार दोनों बदल दिए जाते हैं।
2008 के चुनाव में यहां से कांग्रेस के पुरुषोत्तम विधायक चुने गए थे। पुरुषोत्तम को जहां 51,950 वोट मिले, वहीं बीजेपी के बद्रीलाल यादव 38,506 मत पा सके। आरजी का अंतर 13,444 था। इस बार फिर से बीजेपी के नारायण सिंह पवार उम्मीदवार हो सकते हैं। वहीं कांग्रेस से भी कई नए पुराने नेता टिकट के लिए दौड़ लगा रहे हैं। हालांकि बीजेपी ने पिछले चुनाव इस सीट पर महज 3,088 वोटों से जीता था। ऐसे में जीत को लेकर ना बीजेपी का कोई भी उम्मीदवार पूरी तरह से आश्वस्त है और ना ही कांग्रेस का कोई नेता जीत की गारंटी नहीं दे सकता है। ब्यावरा विधानसभा के जाति समीकरण की बात करें तो सीट पर डांगी सोंधिया लोधा लोधी मीना यादव गुर्जर निर्णायक वोटर है। इसके अलावा यहाँ ब्राह्मण राजपूत वैश्य अनुसूचित जाति जनजाति सहित अन्य मतदाता निवास करते हैं। इस विधानसभा में कुल मतदाता 2,17,913 है। वहीं कुल मतदान केंद्र 284 है। बात नरसिंहगढ़ विधानसभा सीट की करें तो वर्तमान में सीट से कांग्रेस के गिरीश भंडारी विधायक है। 2013 के विधानसभा चुनाव में गिरीश भंडारी को 85,847 वोट मिले। वहीं बीजेपी उम्मीदवार मोहन शर्मा 62,830 मत मिले। जीत हार का अंतर 23,018 वोटों का था। नरसिंहगढ़ विधानसभा सीट पर कांग्रेस और बीजेपी दोनों में कश्मकश रहेगी। कांग्रेस के पास 5 सीटों में से सिर्फ यही एक विधानसभा क्षेत्र है जहां उसका कब्जा है। अपने ताऊ मांगीलाल भंडारी की राजनीतिक विरासत को संभालने गिरीश भंडारी एक बार फिर कांग्रेस से दावेदार हो सकते हैं। वहीं बीजेपी से राजगढ़ सांसद रोडमल नागर की भी नजर सीट पर है। चर्चा है कि नागर नरसिंहगढ़ से विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए दावेदारी। वहीं पूर्व उम्मीदवार मोहन शर्मा सहित दूसरे नेता भी मैदान में है। 2008 में सीट से बीजेपी के मोहन शर्मा विधायक चुने गए। शर्मा को जहां 56,147 मत मिले, वहीं कांग्रेस उम्मीदवार गिरीश भंडारी 52,984 वोटों के साथ चुनाव हार गए थे। दोनों के बीच जीत हार का अंतर 3,163 था। 2008 की हार का बदला गिरीश भंडारी ने 2013 में लिया और मोहन शर्मा को चुनाव हराया। बीजेपी की हार की मुख्य वजह पार्टी में अंदरूनी विरोध और गुटबाजी भी है। जाति समीकरण की बात करें तो सीट पर मीना खाती रोहेला चौरसिया राजपूत सहित गुर्जर दागी ठाकुर ब्राह्मण मुस्लिम अनुसूचित जाति और जनजाति के वर्ग मतदाता निवास करते हैं। नरसिंहगढ़ विधानसभा में कुल मतदाता 213,115 है। वहीं कुल 277 मतदान केंद्र है। अब बात करते हैं खिलचीपुर विधानसभा सीट की। सीट से बीजेपी के कुंवर हजारी लाल दांगी विधायक है। 2013 के विधानसभा चुनाव में दांगी को जहां 82,712 मत मिले, वहीं कांग्रेस प्रत्याशी प्रियव्रत सिंह को 71,233 वोट मिल पाए। जीत हार का अंतर 11,400 रहा। खिरचीपुर विधानसभा क्षेत्र कांग्रेस की परंपरागत सीट रही है। 1962 से 2013 तक के 12 चुनावों में 8 बार कांग्रेस, 3 बार बीजेपी और 1 बार निर्दलीय की जीत हुई है। वर्तमान विधायक कुंवर हजारी लाल 1998 के बाद 2013 में दूसरी बार विधायक चुने गए। इस बार भी बीजेपी से दागी सहित कई अन्य नेता दावेदारी ठोक रहे हैं। वहीं कांग्रेस से पूर्व विधायक प्रियव्रत सिंह के अलावा कोई दूसरा दमदार प्रत्याशी यहां दिखाई नहीं देता है। हालांकि कांग्रेस से भी कई और नेता टिकट पाने के लिए भोपाल दौड़ रहे हैं। प्रियव्रत 2003-2008 में लगातार 2 बार विधायक रहे, लेकिन 2013 का वे चुनाव हार गए। वहीं 2013 में कांग्रेस से बीजेपी में आए हजारी लाल भी जीत दर्ज करने में कामयाब रहे। 2008 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के प्रियव्रत सिंह को 54,895 वोट मिले, वहीं बीजेपी के जगन्नाथ सिंह को 41,268 मत मिले। जीत हार का अंतर 13,627 था। इस बार चुनाव रोचक होने के साथ ही बीजेपी के लिए दिक्कत भरा होने वाला है। कांग्रेस से प्रियव्रत सिंह फिर से मैदान में उतर सकते हैं। यहाँ की जनता का महल के प्रति खास लगाव है। पिछले चुनाव हारने के बावजूद प्रियव्रत क्षेत्र में सक्रिय हैं। वहीं वर्तमान बीजेपी विधायक जिसे जनता नाराज है। जाति समीकरण की अगर बात करें तो सीट पर दागी सोंधिया गुर्जर ब्राह्मण ठाकुर वैश्य समाज बाहुल्य है सहित अनुसूचित जाति जनजाति व अन्य जाति वोटर भी अच्छी तादाद में है। खिरचीपुर विधानसभा में कुल मतदाता 207,588 है। वहीं 291 मतदान केंद्र इस विधानसभा क्षेत्र में स्थापित किए गए हैं। अब बात करते हैं जिले की एकमात्र एससी आरक्षित विधानसभा सीट सारंगपुर की।
इस सीट से बीजेपी के कुंवरजी कोठार विधायक हैं। 2013 के विधानसभा चुनाव में कोठार को जहां 73,108 मत मिले, वहीं कांग्रेस के कृष्ण मोहन मालवीय 54,995 वोट पा सके। दोनों के बीच जीत हार का अंतर 18,113 रहा। वर्तमान विधायक कुंवरजी कोठार के पिता अमर सिंह कोठार इस सीट से 5 बार विधायक रह चुके हैं। पिता के निधन के बाद सरकारी नौकरी छोड़ राजनीति के मैदान में उतरे कुंवरजी कोठार इस बार फिर मैदान में उतरने को तैयार हैं। सारंगपुर विधानसभा सीट बीजेपी का मजबूत गढ़ है। आजादी के बाद से अभी तक हुए 14 विधानसभा चुनावों में 9 बार जनसंघ, बीजेपी या फिर उनके समर्थित प्रत्याशी चुनाव जीतते रहे हैं। वहीं कांग्रेस 5 बार इस सीट पर कब्जा करने में सफल रही। हालांकि 1977 में जनता पार्टी की लहर के बाद भी जनता पार्टी के उम्मीदवार सज्जन सिंह जमानत नहीं बचा पाए थे। उस समय भी जातिगत समीकरण इस क्षेत्र में विशेष प्रभाव नहीं डाल सके। इस क्षेत्र में चुनाव के दौरान लहरों को जरूर फर्क पड़ा और मामूली अंतर से कांग्रेस ने 5 बार सीट पर फतेह हासिल की। 2008 के नतीजों को देखें तो इस सीट पर बीजेपी के गौतम टेटवाल को 56,198 मत मिले, वहीं कांग्रेस की हीरालाल मालवीय को 39,888 वोट मिले। जीत हार का अंतर 16,310 था। 2013 के चुनाव में बीजेपी ने गौतम टेटवाल का टिकट काटकर कुंवर कोठार को दिया था। इस बार के चुनाव में बीजेपी पूरे दमखम के साथ वर्तमान विधायक कुंवरजी कोठार दावेदारी ठोक रहे हैं, वहीं पूर्व और नए नेता भी टिकट की जुगाड़ कर रहे हैं। इधर कांग्रेस संजीवनी ढूंढने की कोशिश में है और ऐसे दमदार उम्मीदवार तलाश रही है जो यहाँ नैया पार लगा सके। यहाँ कांग्रेस में गुटबाजी के चलते संगठन निष्क्रिय है। जाति समीकरण की बात करें तो धाकड़, नागर, बलाई, जाटव, खटी, गुर्जर, मीणा, मुस्लिम, अनुसूचित जाति, जनजाति वर्ग के मतदाता उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करते हैं। सारंगपुर विधानसभा में कुल मतदाता 183,566 है, वहीं 242 मतदान केंद्र हैं। चुनाव का बिगुल बज चुका है। एक बार फिर सियासत दान तमाम आश्वासनों का पुलिंदा दावों और वादों की पोटली लेकर चुनाव मैदान में है। एक तरफ बीजेपी पर 15 सालों की एंटी इनकम्बेंसी का साया छाया है, वहीं कांग्रेस सत्ता वापसी के लिए जनता के वोट सागर में गोते लगाने की कोशिश में है। राजगढ़ से भानु ठाकुर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, पत्रिका टीवी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तमाम वादों दावों के बीच राजगढ़ जिला विकास से दूर नजर आता है। यह जल संकट, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा जैसे आम मुद्दे अभी भी बने हुए हैं। वहीं क्षेत्र में उद्योग रोजगार का अभाव है, जिसके चलते पलायन जारी है। इधर मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज ना होना भी एक मुद्दा बना हुआ है। कई गांव में आज भी सड़कें नहीं हैं। विक्की राजा को मुख्यमंत्री के पद तक पहुंचाने वाला यह राजगढ़ जिला अब संघ और भाजपा का गढ़ बनते जा रहा है, क्योंकि अब यहां सांसद सहित 5 विधानसभाओं में से 4 विधानसभाएं भाजपा के कब्जे में हैं। एक तरफ भाजपा जहां अपने इस चुनावी माहौल में विकास को मुद्दा बना रही है, वहीं यदि विपक्षी की भूमिका निभा रही कांग्रेस की बात करें तो वह किसानों के मुद्दे के साथ ही भ्रष्टाचार को लेकर अब इस चुनाव में उतरने जा रही है। राजगढ़ जिला आज भी सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली जैसी मूलभूत सुविधाओं से वंचित नजर आता है। यह समस्याओं की भरमार है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों के कई बड़े नेताओं का गढ़ होने के बाद भी मूलभूत सुविधाओं के लिए लोग तरस रहे हैं। क्षेत्र में कोई बड़े उद्योग धंधे नहीं होने के चलते लोग नौकरी की तलाश में पलायन कर रहे हैं। लोगों में स्थानीय जनप्रतिनिधियों के लिए काफी गुस्सा है, जो आगामी चुनाव में उनके खिलाफ भी जा सकता है। पथरीली जमीन और किसानों को योजनाओं का सही से लाभ ना मिल पाने की वजह से किसान भी परेशान है। ऐसा नहीं है कि आने वाले चुनाव में केवल रोजगार का ही मुद्दा गूंजेगा। राजगढ़ स्वास्थ्य और शिक्षा के मोर्चे पर भी फेल नजर आता है। यहाँ मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है, यहाँ के छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए दूसरे शहरों में जाना मजबूरी में पड़ता है। वहीं इकलौता ट्रॉमा सेंटर में डॉक्टरों की कमी है, जिसकी वजह से लोगों को इलाज के लिए इंदौर या भोपाल जाना पड़ता है। महिलाओं की सुरक्षा के साथ साथ महिलाओं के जीवन स्तर में सुधार के लिए भी कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। विधायक की निष्क्रियता भी आने वाले चुनाव में बड़ा मुद्दा बनना तय है। राजगढ़ शहर में जनता ने हर बार नए प्रत्याशी को मौका दिया जिससे विकास हो, लेकिन नेताओं ने सिर्फ छलावा ही किया है। हाँ, हाईवे की स्थिति पहले की अपेक्षा वर्तमान में सुधरी है,
ब्यावरा से गुना, राजस्थान और भोपाल जाने वाली सड़कें अब अच्छी हालत में हो गई हैं। इधर मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना की शुरुआत के बाद किसानों में उम्मीद जागी है। इस परियोजना से न सिर्फ राजगढ़, खिलचीपुर और ब्यावरा के कई गांव में खेती का स्तर बढ़ेगा, इसकी दो बड़ी नहरें राजस्थान सीमा तक जाएंगी, जो सैकड़ों गांव में सिंचाई और पेयजल की सुविधाएं बढ़ेंगी। लेकिन इस परियोजना में अधिग्रहित की गई सैकड़ों किसानों की जमीन का मुआवजा नहीं मिल पाया है। विकास हमने धरातल पर उतारा है। आज हम रोड की बात करें तो रोड की स्थिति ये थी कि कई गांवों में पहुंच मार्ग नहीं थे, मगर हमने प्रधानमंत्री सड़क के माध्यम से 18 रोड को कार्य करवाए, 37 रोड हमने 12 मासी मुख्यमंत्री योजना के अंतर्गत जोड़ाई और उसके बाद 200 रोड हमने प्रधानमंत्री सड़क के माध्यम से गांव को डामरीकरण तक पहुंचाने का काम किया। इसी कड़ी में हमने विकास की संकल्प में ड्रामा सेंटर जिला मुख्यालय पर चालू कराया। स्वास्थ्य के क्षेत्र में आज हाई स्कूल की बात करें तो पूर्व सरकारों ने जो हाई स्कूल सेंशन करा उनकी बिल्डिंग लाने का काम मैंने किया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने वर्तमान ने करा। उसके बाद हाई स्कूल 16 हाई स्कूल सेंशन करे, 3 हायर सेकेंडरी स्कूल सेंशन करे, सभी की बिल्डिंग सेंशन हो गई है। हमने राजगढ़ खुजनेर रोड जो सीसी का बना वो बहुत ही विकास की संकलन में जुड़ा हुआ है। बगा फत्तूखेड़ी आजादी के बाद लोगों की मांग थी कि ये रोड हमारा बनना चाहिए, लोग वहां जाना नहीं चाहते थे, आज बगा फत्तूखेड़ी रोड हमने बारोल से जोड़ने काम करा क्षेत्र को। आज इस राजगढ़ विधानसभा की यह स्थिति की 6 महीने लोग बाहर काम करने के लिए प्लान करते थे, मगर हमारे प्रदेश के मुखिया माननीय शिवराज जी ने मोहनपुरा परियोजना देकर एक किसानों का हित में जो कार्य करने का काम करा है, हर किसान के हर खेत में पाइपलाइन बिछाने का कार्य किया है, जो योजना बना के धरती पर उतरी है, इससे मोहनपुरा परियोजना से वो निश्चित रूप से इस राजगढ़ जिले के लिए जीवनदायी नहीं रहेगी। विकास के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी अपना दावा ठोक रही है कि हमने विकास किया है, वो विकास इस राजगढ़ विधानसभा क्षेत्र में राजगढ़ जिले में सामने है। इधर ब्यावरा विधानसभा सीट में मुद्दों की बात करें तो इस क्षेत्र में बुनियादी सुविधाओं का अभाव है, इसके अलावा पेयजल संकट से भी यहाँ के लोग जूझ रहे हैं। यहाँ पर शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं बदहाल है, यहाँ के अस्पतालों में डॉक्टरों और संसाधनों की कमी है, क्षेत्र में रोजगार का टोटा है, सिंचाई के पर्याप्त साधन भी नहीं है, बंजर जमीन के कारण खेत सूखे पड़े हुए हैं, लोडवार क्षेत्र से लोगों का पलायन जारी है। वही 219 करोड़ की लागत से 205 गांव में बन रही पेयजल योजना का काम भी काफी धीमा है। इसके अलावा अजनार नदी में बढ़ते प्रदूषण के चलते नदी नाले में तब्दील होती जा रही है, क्षेत्र की सड़कें भी खराब है। दावे तो बड़े बड़े किए जाते हैं, लेकिन हकीकत यही है कि बुनियादी सुविधाएं तक दिखाई नहीं देती हैं। क्षेत्र में भ्रष्टाचार भी एक मुद्दा बना हुआ है। वही विधायक की माने तो उनके क्षेत्र में विकास के कार्य हुए हैं, कुछ जगह कमी रह गई है तो उसे पूरा कराया जाएगा। इस क्षेत्र में पिछले 50 वर्षों से जिन कामों की दरकार थी वो मेरे कार्यकाल पूरे किए हैं। इतने बड़े काम थे, ब्यावरा शहर का विकास का मसला हो, शहर का मुख्य मार्ग का चौड़ीकरण, फोर लेन सड़क का हो, शहर में ऑडिटोरियम हो, अस्पताल का 1500 बेड में, दूसरा नगर शौचालय हमारा महाविद्यालय हो, या तहसील घोषणा तहसील खोलने का हुआ हो, पार्वती नदी पर पुल का मामला हो, क्षेत्र में तमाम सड़कें, पुल, पुलिया, अस्पताल, बिजली घर, 132 केवी के स्टेशन, ये सब चीज़ जनता की दरकार को सबने पूर्ण किए। अनेक विद्यालय को उन्नयन किया है, हाई स्कूल हायर सेकेंडरी में, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, सड़क, स्वास्थ्य, पेयजल, इसमें आत्मनिर्भर भी आगे बढ़ रहे हैं, जनता से सीधे तरुणा। नरसिंहगढ़ को मालवा का कश्मीर कहा जाता है। यहाँ सुंदर सरोवर और पहाड़ी पर स्थित किले को पर्यटन के लिए अगर विकसित किया जाए तो काफी संख्या में पर्यटक आएंगे, जिससे व्यापार और रोजगार भी बढ़ेगा। नरसिंहगढ़ महोत्सव का बंद होना लोगों की नाराजगी का कारण बन सकता है। इसके अलावा केंद्रीय विद्यालय के नहीं खुलने के कारण लोगों में आक्रोश व्याप्त है। कई गाँव में आज भी सड़कों का अभाव है। वहीं पार्वती नदी पर बनने वाले डैम सिर्फ घोषणा तक ही सीमित रह गया है। क्षेत्र के कांग्रेस विधायक विकास के दावों के साथ शिवराज सरकार पर भेदभाव का आरोप भी लगाते हैं। यहाँ बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या है। वहीं किसान, शिक्षा, स्वास्थ्य और विकास के मुद्दे पर भी विधायक को घेरने की तैयारी है। किसानों को पर्याप्त पानी नहीं मिलता है, कहने को तो पीलूखेड़ी इंडस्ट्रियल एरिया तो है, लेकिन यहाँ भी
स्थानीय लोगों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है। इसके अलावा अब नरसिंहगढ़ में रेल लाइन नहीं पहुंची है, इसे लेकर भी लोगों में काफी गुस्सा है। खिलचीपुर विधानसभा सीट के मुद्दे की बात करें तो इस क्षेत्र में पानी की समस्या है। यहाँ के लोग एक एक बूंद पानी के लिए तरसते हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के मामले में भी ये क्षेत्र फिसड्डी है। स्कूली शिक्षा तो बदहाल है ही, उच्च शिक्षा की स्थिति भी खराब है, स्वास्थ्य सुविधाएं भी बदहाल है। इसके अलावा बेरोजगारी भी एक बड़ी समस्या है। सारंगपुर विधानसभा सीट पर बीजेपी का ही कब्जा रहा है, बावजूद इसके यहाँ कोई खास विकास देखने को नहीं मिलता है। बदहाल सड़कें, बेतरतीब यातायात और बेरोजगारी इस विधानसभा की पहचान बन चुके हैं। यहाँ रोजगार के लिए कोई छोटा या बड़ा उद्योग नहीं है। वहीं शिक्षा के क्षेत्र में भी काफी पिछड़ा नजर आता है सारंगपुर, जहाँ परवान चढ़ाता रानी रूपमती और बाज बहादुर शाह का प्यार, और जिस प्यार के लिए रानी रूपमती ने की थी खुदकुशी, जिसकी याद में यह एक मकबरा भी बना हुआ है। लेकिन आज उस अमीट प्रेम की निशानी पुरातत्व और पर्यटन विभाग की अनदेखी का शिकार है। सारंगपुर में रानी रूपमती का मकबरा ही केवल उपेक्षा का शिकार नहीं है, बल्कि यहाँ की जनता भी वर्षों से ठगी जा रही है। जी हाँ, बीजेपी का गढ़ होने के बावजूद इलाके में विकास नजर नहीं आता है। बीते 15 सालों में प्रदेश में बीजेपी की सरकार है। अस्पताल में डॉक्टर नहीं होने से मरीजों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। महिला डॉक्टर नहीं होने से महिला मरीजों को काफी परेशानी झेलनी पड़ती है। नेवस और काली सिंध दो नदियां सारंगपुर क्षेत्र से होकर गुजरती हैं। बावजूद इसके यहां पेयजल की समस्या गंभीर रूप से बनी हुई है। ट्रेनों की स्टॉपेज बढ़ाने की मांग यहां के लोग लगातार करते आ रहे हैं, लेकिन उस पर भी अब तक कुछ नहीं हो सका है। शिक्षा व्यवस्था की बात करें तो क्षेत्र में कॉलेज तो है, लेकिन प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए छात्रों को भोपाल, इंदौर का रुख करना पड़ता है। कुल मिलाकर सारंगपुर में दुश्वारियों की कोई कमी नहीं है, और इन समस्याओं के लिए बीजेपी कोई बहाना भी नहीं बना सकते हैं, क्योंकि क्षेत्र की जनता ने उन्हें खूब मौके दिए हैं और इस बार वो इन मौकों का पूरा हिसाब मांगने के मूड में है। और इस बार जनता पांचवी विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों को जिताने का कारण मुख्य उद्देश्य रहेगा कि भारतीय जनता पार्टी ने किसानों और गरीबों के लिए वादे किए थे कि हम आपको रोजगार देंगे, किसानों को बोला था कि खेती को लाभ का धंधा बनाएंगे, लेकिन आपने देखा होगा कि ना तो खेती लाभ का धंधा बनी, ना कोई रोजगार बना, और इसने सारे टैक्स लगा दिए कि जिसके कारण जनता अपने आप पहचान चुकी। उसके साथ साथ ही आपने देखा होगा कि डीजल और पेट्रोल के भाव, जो गरीब किसान हर आदमी के पास मोटरसाइकिल है, करीब करीब 90 से 85 रुपये लीटर डीजल और पेट्रोल के भाव हो गए। इन सारी बातों को लेकर इस बार 2018 में राजगढ़ जिले से यहाँ के मतदाता कांग्रेस पार्टी को जीते। कांग्रेस के शासन में अकेली गैस की टंकी हम 350 रुपये में देते थे, और माननीय मुख्य प्रधानमंत्री कह रहा है कि मैंने पूरे देश में गैस की टंकी बांटी, वही गैस की टंकी के पूरे देश के लोगों से पैसे लिए हैं। आज टंकी 1000 रुपये में है। डीजल और पेट्रोल कांग्रेस के ज़माने में 1.5 रुपये एक्साइज ड्यूटी डीजल पे थी, 2 रुपये पेट्रोल पे थी। आज के 4 साल में 16 रुपये एक्साइज ड्यूटी डीजल पेट्रोल पे है। इन दोनों चीज और किसानों का अनाज का भाव अंतर में जो किसानों को बर्बाद करा, यही मेन कारण रहेगा इस चुनाव में मध्य प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का टुकड़ा साफ होगा। क्षेत्र में विकास का मुद्दा इस चुनाव में छाया रहेगा। एक तरफ बीजेपी अपने विकास कार्यों के भरोसे जनता के बीच में है, वहीं विपक्ष किसान पलायन, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार सहित कई अन्य मुद्दों को लेकर जनता के बीच में है। लेकिन जीत किसकी होगी ये तो चुनावी नतीजों के दिन पता चलेगा। राजगढ़ से भानु ठाकुर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, पत्रिका टीवी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। राजगढ़ सियासतदान अपने वादों और दावों में कितने खरे उतरे, आइए यहाँ की जनता जनार्दन से जानते हैं। राजगढ़ जिले में वर्तमान समय बेरोजगारी बढ़ रही है, जिसको लेकर यहाँ के युवक पलायन कर रहे हैं। राजगढ़ जिले को उद्योगों की आवश्यकता है, उद्योगों की कमी है। यहाँ पे विधानसभा में जो भी विधायक बने उनसे निवेदन है कि यहाँ पे उद्योग की ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें, तो यहाँ की आम पब्लिक को रोजगार मिलने के लिए बहुत अच्छा है। कोई भी लाभ नहीं दिया,
कहीं भी काम नहीं कर पाए हो। कुछ योजना में आपको गांव की योजना में कहीं भी लाभ नहीं मिला, हमें तो कहीं भी लाभ नहीं मिले, हमारे गांव में कुछ भी लाभ नहीं, लाभ नहीं हमारे गांव में, तो कोई कालोनी नहीं, कोई फाला नहीं, कुछ भी नहीं है हमारे गांव। अच्छा, ना पटा ना बर्मा, अरे कुछ भी नहीं हमारे गांव। कुछ संबल योजना में कोई लाभ, कुछ भी लाभ नहीं है हमें तो हमारे गांव। इस बार किस 15 साल में उन्होंने ये किया कि जैसे मैं गरीब था, गरीबी रेखा में राशन कार्ड में मेरा नाम था, मेरे पास पटवारी प्रतिवेदन लगा हुआ, IGM का आदेश है, उसके बाद भी मेरा वो पर्ची नहीं मिली आज तक। संतुष्ट तो है लेकिन जितना चाहो उतना संतुष्ट नहीं है। नहीं है तो मानसिक विधायकों का कार्यकाल कैसा है अभी का? तो हमें अच्छा नहीं लग रहा विधायकों का। अच्छा, छोटे छोटे जिलों में, प्रदेश के छोटे छोटे जिलों में मेडिकल कॉलेज खुल चुके हैं लेकिन राजगढ़ जिले में कृषि महाविद्यालय तक नहीं खुला है, जिसका हमें इंतजार है। चुनाव आते समय रेल का मुद्दा आता है, मगर इस बार जो चुनाव जीते वो रेल के लिए काम कर रहे हैं। क्षेत्र तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो इस विधानसभा चुनाव में गूंजने वाले हैं। तो ये रहा राजगढ़ जिले की सभी 5 विधानसभा सीटों का हाल। अगले एपिसोड में हम फिर हाजिर होंगे किसी और जिले की विधानसभा सीटों की पड़ताल के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए पत्रिका TV मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। नमस्कार।